गाइस अब हम बात करेंगे कैनुला कितने प्रकार के होते हैं, कैनुला कौन कौन से, कैनुले की कितनी लंबाई होती है और एक कैनुले से कितनी ml ड्रिप्स एक मिनट में लगाई जा सकती है। तो जनरल जानकारी के लिए भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है और आप भी किसी तरीके की कंपटीशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या MBBS BUMS किसी तरीके का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन भी रहता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कैनुला कितने प्रकार के होती हैं, इनकी कितनी लंबाई होती है, इनका गॉस कितना होता है, इनका जो मोटापन कितना होता है और कौन सा कैनुला कब इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पर्पल कलर कैनुला। जो कैनुला होता है इसका कलर पर्पल होता है और इसकी गॉस की बात करें तो ये 26 यानी कि 26G होता है और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी डायमीटर इसका क्या होता है वो 0.6 mm होता है। लेंथ यानी कि इसकी लंबाई की बात करें तो ये 19 mm का होता है। अब फ्लो रेट बात करें कि अगर आप किसी के ड्रिप लगाएं इससे तो एक मिनट में 15 ml इन्फ्यूज आपका लग सकता है। बात करें इस्तेमाल की तो इसका जो यूज किया जाता है वो न्यू बेबी यानी कि नवजात शिशुओं में, चिल्ड्रंस बच्चों में, एडल्ट बुजुर्गों में, तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है बुजुर्गों में भी किया जाता है। तो ये जो है पर्पल कलर कैनुला कहलाया जाता है और इसकी साइज़ की बात करें तो ये 26G का होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। दूसरा हम बात करेंगे येलो कलर कैनुला। जो पीले कलर का कैनुला होता है उसके अगर साइज़ की गाइज़ की बात करें तो इसका जो गाइज़ होता है वो 24G का होता है और एक्सटर्नल यानी कि इसके बाहर डायमीटर क्या होता है तो वो 7 mm होता है। और लंबाई की बात करें इसकी लेंथ जो होती है वो 19 mm होती है और फ्लो रेट इसकी 20 ml पर मिनट होती है। तो ये पीले कलर का होता है, इसका आप जो ढक्कन देखेंगे वो पीले कलर का होगा। और अगर इसकी यूज की बात करें तो न्यूनेट नवजात शिशुओं में, चिल्ड्रंस में और एडल्ट बुजुर्गों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैनुला है। जब किसी भी बुजुर्ग हो बच्चे को ड्रिप लगाई जाती है, इन्फ्यूज चढ़ाया जाता है, तो ज़्यादातर डॉक्टर इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कैनुला को येलो कैनुला भी कहते हैं और इसके अगर गाइस की बात करें तो जब आप इसको खोलेंगे तो उसके पैकिंग पे देखें ऊपर लिखा होता है 24G, तो 24G का मतलब होता है 24 गाइस। तो इसकी जो लंबाई होती है 19 mm होती है और फ्लो रेट होती है इसका एक मिनट में ये 20 ml फ्लूड चढ़ा सकता है अगर आप फुल रेट फुल इसकी स्पीड पर चढ़ाएंगे तब। तो इसको भी देख लीजिए और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैनुला ब्लू कलर। जो इसकी डार्ट आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का होगा यानी कि नीले कलर का और इसकी गाइस की बात करें तो 22G होता है और एक्सटर्नल डायोमीटर की बात करें तो ये 9 mm होता है और लेंथ यानी कि इसकी लंबाई की बात करें तो 25 mm होता है और फ्लो रेट जो इसकी जो मिनिमम फ्लो रेट होती है वो अगर आप फ्लो रेट इसके फुल स्पीड पर किसी की ड्रिप लाएंगे तो एक मिनट में 30 ml ये फ्लो चढ़ सकता है। यूज की बात करें तो इन्फ्लूजन में, ब्लड ट्रांसप्लेटर में यानी कि किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ़र करना है तो उसमें भी यूज किया जा सकता है और एडल्ट बुजुर्गों में भी लगाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला होता है और इसकी जो पहचान करें आप देख सकते हैं ये ब्लू होता है और गाइस की बात करें तो 22G होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कलर से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा कैनुला किस कलर का और क्या उसका साइज हो सकता है। आगे हम बात करेंगे पिंक कलर कैनुला। जो इसकी डार्ट होती है वो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर की होती है और इसकी गाइस की बात करें तो 20G का होता है और एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो ये 1.1 mm होता है। लेंथ की बात करें तो ये 25 mm होता है, इसकी जो लंबाई होती है 25 mm होती है। फ्लो रेट यानी कि बहने की दर की बात करें तो ये 25 ml 55 ml एक मिनट में 55 ml फ्लूड चढ़ा सकता है। तो इसका जो यूज होता है वो इन्फ्यूजन में, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो इस कैनुला को आप पिंक कलर कैनुला भी कह सकते हैं और इसकी जो गाइज होती है तो 20G होती है और ये 55 ml एक मिनट में फ्लूड चढ़ा सकते हैं आप इस पर फुल स्पीड पर पेशेंट को देंगे तब। तो इसको भी देख लीजिए, जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट लें, इसका भी बहुत ही अच्छा यूज होता है इसका। आगे हम बात करेंगे ग्रीन कलर कैनुला। तो इसको हला कैनुला भी कहते हैं। गाइस की बात करें तो इसको 18G होता है इसका। एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो 1.3 mm होता है और लेंथ इसकी लंबाई की बात करें तो 45 mm होती है इसकी लंबाई और फ्लो रेट यानी कि बहने की दर की बात करें तो एक मिनट में ये 90 ml फ्लूड चढ़ा सकता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो ये रिपीट फ्लूड यानी कि जल्दी फ्लूड चढ़ाने में दिया जाता है। मेजर सर्जरी, अगर किसी पेशेंट की बड़ी सर्जरी होती है उस समय भी इस्तेमाल किया जाता है। और रैपिड ब्लड ट्रांसफ़र यानी कि अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ़र करना है जल्दी तब भी ये यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा इसका यूज होता है। आगे हम बात करेंगे वाइट कलर कैनुला यानी कि सफ़ेद कलर का कैनुला। इसकी जो डार्ट से आप पहचान सकते हैं ये वाइट होगा तो ये 17G का होता है
और एक्सटर्नल की डायमीटर की बात करें तो 1.5 mm होता है, लेंथ की बात करें तो 45 mm होती है इसकी। फ्लूड रेट यानी कि बहने की दर की बात करें तो एक मिनट में ये 150 ml फ्लूड चढ़ा सकते हैं इससे। अगर इसके यूज की बात करें तो रैपिड फ्लूड यानी कि जल्दी फ्लूड चढ़ाने में, बड़ी सर्जरी में और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किया जाता है। तो इन कैनुलाओं का क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी स्पीड से फ्लूड पेशेंट को चढ़ा सकते हैं इनसे, जल्दी यानी कि ये पेशेंट को इमरजेंसी में होता है तो उस समय भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला और ये बड़ी बड़ी सर्जरियों में यूज होने वाला कैनुला है ग्रे कलर। अगर इसकी गाइस की बात करें ये 16G होता है और एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो 1.8 mm होती है इसकी, और अगर लंबाई की बात करें तो 45 mm होती है। फ्लूड रेट की बात करें बहने की दर की तो एक मिनट में 220 ml फ्लूड इससे आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसका जो यूज होता है वो रैपिड फ्लूड, मेजर सर्जरी, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जल्दी फ्लूड देने में, बड़ी से बड़ी सर्जरी होती है जब यूज करते हैं इसके डॉक्टर, और ब्लड किसी का ट्रांसफ़र करना होता है तब भी इसका यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे सबसे लास्ट कैनुला, ऑरेंज कलर कैनुला। इसकी जो आप डार्ट देखेंगे, देख रहे हैं आप, ऑरेंज कलर की होती है और इसकी गॉइस की बात करें 14G का होता है, और एक्सटर्नल की बात करें तो 1.1 mm होती है इसकी, 2.1 mm, और लंबाई की बात करें तो 45 mm होती है। फ्लू रेट की बात करें इसकी तो एक मिनट में 270 ml आप फ्लूड इससे दे सकते हैं। तो ये एक प्रकार से बड़ा इसका जो सुराग होता है बड़ा होता है। और अगर इसकी यूज की बात करें तो रैपिड फ्लूड, जल्दी फ्लूड चढ़ाने में, बड़ी सर्जरी होती है तब यूज किया जाता है इसका। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है जल्दी में तब भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जो कैनुला होती हैं इनके अगर साइज़ की बात करें तो जितना इनका साइज़ बढ़ता है, जैसे 14, 16, 18, 20, 22, 24, तो उसी तरीके से इनका जो सुराग होता है, बोर होता है, वो कम होता चला जाता है और इनका जो नंबर है बढ़ जाता है। आप कभी कभी आप चौंक जाते हैं क्या 24 का दे दो और लेना है आपको 22 का, तो आपको अगर बोर कम चाहिए, पतली सुई चाहिए, तो उसमें आप छोटा लेंगे तो उसका कह सकते हैं एक प्रकार से उल्टी गिनती होती है। अगर आपको किसी बच्चे के लगाना होता है तो उसकी जो गाइज होती है वो पतली चाहिए, तो उसमें आप जो है 26G का कैनुला यूज करें अगर नवजात शिशु है तो, यानी कि उसका जो सुराग होगा वो 26 का छोटा होगा और 18, 16, 14 का ये सबसे बड़े माने जाती हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो 14 का होता है, तो इसमें एक प्रकार से उल्टे नंबर कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बताया आपको कि कैनुला कितने प्रकार के होते हैं, आप इनके कलर से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा कलर का कैनुला कितने नंबर का होता है। तो आगे भी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।